हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कौन पढ़ा ना क्लासिफिकेशन व्हिच इज बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ता विषय पढ़ा। ठीक अच्छे, सो हाइब्रिडाइजेशन को बेस करिकी तुम जो मोनोहेलोजेन कंपाउंड अच्छी, मोनोहेलोजेन कंपाउंड माने कौन सिंगल हेलोजेन कार्बन रे अटैच होकर रहुथबो, बुझेला। तो ये जो मोनोहेलोजेन कंपाउंड अच्छी से कार्बन सहित तो जो अटैच है कि रहुची से दीटा टाइप रो हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सहित तो अटैच है कि रहुथबो, गोटे हैला तुम्हारो sp3 आउ गोटे हैला तुम्हारो sp2। सो बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन रे ए जो हाइब्रिडाइजेशन को क्लासिफाई करा है सेटा अगेन कौन ना टू टाइप्स रे डिवाइड है, गोटे हैला तुम्हारो sp3 आउ गोटे हैला sp2। काहेकि ना तुम्हारो मोनोहेलोजेन कंपाउंड, ठीक अच्छे, मोनोहेलोजेन कंपाउंड जो कार्बन रे अटैच है कि अच्छे से पर्टिकुलर कार्बन टा मे बी sp3 हे पारे और मे बी sp2 मध्ये इथे हे पारे, सेथ पे आमे दिटा जको टाइप्स बिषय रे पढिबा। सो फर्स्ट आमे को टाइप्स बिषय रे पढिबा ना sp3 उपरे पढिबा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन रे फर्स्ट आमे कोन करूचे, sp3 माने कोन सेटा जो कार्बन टा अच्छे से sp3 हाइब्रिडाइजेशन मेंटेन करथबो, ठीक अछि। आ कार्बन को बेस करके ही हमरो कोन होचे sp3 हाइब्रिडाइजेशन टा अगेन 3 टाइप्स रे डिवाइड हेजी, केते टाइप्स रे डिवाइड हेजी ना 3 टाइप्स रे डिवाइड हेजी। फर्स्ट हला अल्काइल हैलाइड, सेकेंड टाइप हैला तुम्हारो एलाइल हैलाइड मध्य कहि परिबो, ठीक अछि। एंड थर्ड वन इज बेंजाइलिक हैलाइड, बुझियला। तो एठे देखो अल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक अच्छे। तो फर्स्ट आम क्या विषय पढ़िया अल्काइल हैलाइड, जो बहुत इजी। अल्काइल हैलाइड रे कौन थी ना तुम अल्काइल हैलाइड बा फर्स्ट टाइप विषय आम भी पढ़ुचे। अल्काइल हैलाइड रे तुम सिंपल Rx प्रेजेंट थी, ठीक अच्छे। आर जगह तुम जेकोसी मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पुट कर पार्ब, सेमती एक्स जगह क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन पुट कर पार्ब, बुझेला। तो एठी देखो जो कार्बन टा अच्छी, जो कार्बन सहित तो तुम्हारा क्लोरीन टा लिंक है अच्छी, से कौन होती ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन मेंटेन करुची, बुझेला। तो जहा फल एठी जो कार्बन टा रहिला sp3 हाइब्रिडाइजेशन मेंटेन करबा जोगु एटा कौन sp3 हाइब्रिडाइजेशन अंडर रे जाउची, बुझेला। तो सिमती एटा तो हला कौन CH3Cl, सिमती आगोट एग्जांपल देखो C2H5Cl, ठीक अच्छी। आगोटे देखो C3H7Cl, बुझेला। एटा हला तुमरो कौन अल्काइल हैलाइड, जोठी हेलोजेन टा तुमरो जो कार्बन से तो अटैच छि सेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन मेंटेन करूची, ठीक अछि। नेक्स्ट देखिबा एबे हमें एलाइलिक हैलाइड, एबे नेक्स्ट देखो एलाइलिक हैलाइड, ठीक अछि। एलाइलिक हैलाइड रे कौन हबो ना तुमरो जो हेलोजेन मॉलिक्यूल अछि सेटा कोठे अटैच हेथिबो एलाइलिक कार्बन रे अटैच हेथिबो। तो फर्स्ट देखो एलाइलिक ग्रुप कौन एठी कौन थिबो ना एठी तुमरो फर्स्ट दुटा कार्बन रे डबल बॉन्ड प्रेजेंट थिबो, ठीक अछि। फर्स्ट दुटा कार्बन रे कोन डबल बॉन्ड प्रेजेंट थिबो, सेकंड नंबर कार्बन टा कोन होतो ना सिंगल बॉन्डेड कार्बन सहित तो अटैच हे कि रहितिबो। देन ए जो कार्बन रहिला थर्ड कार्बन सेठी कोन होची बैलेंस बा तार वैलेंसी मेंटेन करबा पे हमरो कोन दुटा हाइड्रोजन पुट हे कि थिबो, आउ गोटे कोन एमती ब्लैंक हे कि थिबो। तो याकू हमें कोन कहबा ना एलाइलिक ग्रुप बोली कहबा, कौन कहबा एलाइलिक ग्रुप बोली कहबा। तो तुम्हारो हेलोजेन आसी कोठी अटैच हबो ना एक कार्बन रे अटैच हबो, जे कि ए जो कार्बन अछि ये तुम्हारो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रे अछि, बुझियाला। तो एबे देखिबा कोन यार एग्जांपल देखिबा, सो एग्जांपल देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एठी कोन लगिबो CL, एडा हला तुम्हारो एलाइलिक हैलाइड, बुझ पारलो केमती होची। सिंपल एलाइलिक ग्रुप रे जो कार्बन तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन रे प्रेजेंट अच्छी सेठी कौन हम ना तुम्हारा हेलोजेन आसिक अटैच हम, जबकि एठी देखो तुम्हारा कौन होची एक दिटा कार्बन भितर तुम sp2 हाइब्रिडाइजेशन अच्छी, ए कार्बन मध्य फर्स्ट और सेकंड कार्बन दिटा जाक तुम sp2 हाइब्रिडाइजेशन रे अच्छी, बट तुम्हारा थर्ड कार्बन टा कौन होची sp3 हाइब्रिडाइजेशन रे अच्छी, बुझेला। जहा फल कि हेलोजेन ग्रुप टा आसिक तुम ए कार्बन रे आसिक अटैच हम, ठीक अच्छे।
एबे नेक्स्ट देखो हम कोन कहा विषय रे पढिबा ना बेंजाइलिक हैलाइड विषय रे पढिबा बा बेंजाइल हैलाइड विषय रे पढिबा बेंजाइल हैलाइड ठीक अछि। बेंजाइल हैलाइड माने कोन त ना रु तुम जानि परथुबो जे बेंजीन रिंग रे तमरो कोन आसीबो हैलोजनस के अटैच होबो ठीक अछि। बट बेंजीन रिंग फर्स्ट देखो बेंजीन रिंग एटा बेंजीन रिंग रे जो छोटा कार्बन अछि ए जो पोजीशन जकर जो तमरो छोटा कार्बन अछि छोटा जको कार्बन कोन हो जना डबल बॉन्ड सहित लिंक हे कि अछि जहा फल रे कि छोटा को छोटा जको कार्बन कोन होबो ना तमरो sp2 हाइब्रिडाइजेशन मेंटेन करथुबो तो एठी कोन हो जी कोनोसी कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहि तो तमरो हैलोजन आसी केमते अटैच होबो तो सिंपली कोन होबो ना एठी जो एडजेसेंट कार्बन थिबो बट छोटा जक पोजीशन रे तमे जे कोनोसी जगह रे बा जे कोनोसी कार्बन रे तमे आ गोटे कार्बन कोन करियो अटैच करिवो जे के सिंगल बॉन्ड हे फॉर्मेशन करथुबो बुझेला से कार्बन रे कोन आसीबो तमरो हैलोजन आसके डायरेक्टली अटैच होबो तो एठी गोटे हाइड्रोजन लगेबो एठी मध्ये गोटे हाइड्रोजन अटैच करिवो जहा फल रे कि कार्बन टा कोन तारो वैलेंसी मेंटेन करी परिबो आ ए हैलोजन जगह रे तमे क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन तमे ऐड करी परिबो तमे जोटा मन रखिया को तमे सुविधा होची सेठा एठी तमे एक्स जगह रे ऐड करी परिबो तो एटा हला तमरो कोन बेंजाइल हैलाइड रे तमरो हैलोजन टा केमती sp3 हाइब्रिडाइजेशन मेंटेन करूची बा sp3 हाइब्रिडाइजेशन रे तमरो बेंजाइल हैलाइड केमती इंक्लूड हे परची सेटर क्लासिफिकेशन एठी हमरो दीची ठीक अछि। तो एटा रहला कोन एक्स जगह तमे क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन तमे ऐड करि परिबो एबे देखबा नेक्स्ट स्टेप दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन एबे हमें कहा विषय रे पढिबा ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन विषय रे पढिबा हला दैट मींस तमरो जो मोनो हैलोजन कंपाउंड अछि से को कार्बन से तो अटैच हेथिबो ना जो कार्बन की तमरो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करि पारुथुबो ठीक अछि। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जतले शो करछि तो एटा मधे कोन टू टाइप्स रे डिवाइड हेछि तो फर्स्ट टाइप हला तमरो कोन विनाइलिक हैलाइड एबे हमें फर्स्ट कोन पढिया विनाइलिक हैलाइड बिसरी पढिबा और सेकंड टाइप हला तमरो कोन ना एराइल हैलाइड ठीक अछि। ए दुटा विषय एबे हमें पढिबा तो विनाइलिक हैलाइड रे कोन कहउछि ना तमरो ए तमने एठी कोन होतबो ना तमे हैलोजन मोनो हैलोजन कंपाउंड जो कार्बन से तो अटैच हेथिबो से कोन हेथियो विनाइलिक कार्बन से तो अटैच हेथिबो आउ से विनाइलिक कार्बन कोन हेथु ना तमरो sp2 हाइब्रिडाइजेशन मेंटेन करथो दैट मींस से डबल बॉन्डेड कंपाउंड हेथिबो। तो एठी देखो एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 एटा हला तमरो कोन विनाइलिक कार्बन तो विनाइलिक कार्बन रे मे बी तमरो ए कार्बन रे मध्ये हैलोजन अटैच हे पारे और ए कार्बन रे मध्ये अटैच हे पारे केमते देखो ना ए कार्बन दिटा जे कोन डबल बॉन्ड एक्वायर करकी रही चंती तो सेथ पे हैलोजन टा मध्ये कोन एदर एठी अटैच हे पारे और एठी मध्ये अटैच हे पारे तो मु कोन करबि ना एठी अटैच करबि दैट इज एठी कोन मने करो Cl तमरो अटैच करली बुझेला। तो यार अनुसार आमे कोन कहबा ना जते बेले की तमरो जो मोनो हैलोजन कंपाउंड अछि से विनाइलिक हैलाइड रे कोन होबो ना जे कोनोसी गोटे कार्बन रे अटैच होबो जो कार्बन की तमरो डबल बॉन्ड एक्वायर करथिबो प्लस ता सहित sp2 हाइब्रिडाइज्ड कैरेक्टर मध्ये शो करथुबो देन जे की तमरो कोन मोनो हैलोजन कंपाउंड कार्बन एटम सहित अटैच करि परिबो बुझेला। आ sp2 हाइब्रिडाइजेशन मान तो तमे सिंपल जानथबो जे डबल बॉन्डेड कंपाउंड हेथिबो कार्बन टा सिमत देखिबा बे हमें नेक्स्ट कोन एराइल हैलाइड विषय रे देखिबा एराइल हैलाइड रे कोन होथुबो तमरो पर्टिकुलरली एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट थिबो तारो सिंपलेस्ट एग्जांपल हला तमरो बेंजीन बेंजीन रिंग रे कोन होबो ना तमरो हैलोजन टा डायरेक्ट अटैच हे कि रहथुबो आ तमे हैलोजन जगह रे क्लोरीन ऐड करि परिबो ब्रोमीन ऐड करि परिबो आयोडीन या फिर फ्लोरीन मध्ये तमे ऐड करि परिबो ठीक अछि। तो एठी देखो जो छोटा जको कार्बन अछि छोटा जको कार्बन पखरे कोन गोटो गोटे डबल बॉन्ड अछि प्रेजेंट अछि तो जे कोनोसी कार्बन रे छोटा जको पोजीशन जे कोनोसी जगह रे बा जे कोनोसी कार्बन से तमे मोनो हैलोजन कंपाउंड को अटैच करि परिबो काहेन सब जको कार्बन कोन करचंती एठी sp2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म रे अछंती
बुझीगला तो एटा को हमें कौन कहबा ना एराइल हैलाइड बोली कहबा और एटा थिला विनाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड तो हमर एसपी2 हाइब्रिडाइजेशन रो एग्जांपल ठीक अछि। एबे हमें कौन देखबे ना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखिबा जोटा कि तमरो कार्बन एटम ऊपर डिपेंड करूची ठीक अछि। देखो